एनडीए की ओर से घोषित उम्मीदवार रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति होंगे। उनकी ये जीत कई मायनों में खास है। ये जीत एक ओर जहां बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन को नई ताकत देगा, तो वहीं कोविंद की छवि से 2019 के चुनाव में भी बीजेपी को मदद मिलेगी। इस चुनाव से बीजेपी इसलिए भी कोविंद को लड्डू खिला रही है क्योंकि इस चुनाव के बदौलत कई पार्टियों में फूट पड़ गई है और कांग्रेस में तो कई राज्यों में क्रॉस वोटिंग हो गई है। इस जीत से पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कद भी बढ़ा है। बीजेपी का आकलन है कि कोविंद को न केवल एनडीए समर्थक पार्टियों बल्कि 115 अतिरिक्त विधायकों के भी वोट मिले। 18 एनडीए पार्टियों के अलावा कोविंद को जेडीयू, टीआरएस, कांग्रेस, एआईएडीएमके, बीजेडी जैसे क्षेत्रीय दलों के वोट मिले। कोविंद को मिली जीत से पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी की कार्यशैली और दूरदृष्टि के मुरीद लोगों की तादाद और बढ़ गई है। दोनों के कामकाज के तौर तरीकों पर फिलहाल कोई उंगली उठने वाली नहीं है। सभी फैसले दोनों के आपसी विमर्श के जरिए होते हैं, इसलिए जानकारी बाद में पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को दी जाती है। पार्टी के सीनियर मोस्ट नेताओं का एक गुट जो इस जोड़ी के खिलाफ आवाज उठने की उम्मीद बनाए हुए है, उसकी उम्मीदों को झटका लग सकता है। और तो और, बीजेपी ने पहले ही कोविंद की जाति बताकर एक खास जाति वर्ग को जीतने की कवायद भी की है, जिससे कई नेता जो दलितों के नाम पर राजनीति करते हैं उन्हें भी कोविंद की जीत के बाद साइडलाइन किए जाने में बीजेपी सफल हो सकेगी।